ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में बीती 25 सितंबर को कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में हुई विधायकों की बगावत का मामला बुधवार को विधानसभा में गूंजा। बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने कांग्रेस की बगावत के मुख्य सूत्रधार अशोक गहलोत के सबसे करीबी मंत्री शांति धारीवाल को कांग्रेस की बगावत में उनकी भूमिका की शक्ति याद दिलाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर भी थोड़ी सख्ती करने के लिए कहा। पारक के बयान पर सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद पक्ष विपक्ष के बीच में सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद में आसन पर बैठे सभापति जेपी चंदेलिया कांग्रेस आलाकमान को लेकर कही हुई बात को विलोपित करवा दिया। हालांकि इस पर भी उपनेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में जारी बजट सत्र में बुधवार को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पाली से आने वाले बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने सदन में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। पारख ने कहा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को चाहिए कि वह अधिकारियों पर भी थोड़ी सख्ती बरते। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय जब संकट आया उस समय आपने मजबूती से उसे ठीक करने का काम किया है, इसी तरह से उन्हें अपनी ताकत का एहसास रखना चाहिए। यही नहीं, ज्ञानचंद पारख ने आगे कहा कि शांति धारीवाल अपने अनुभव से विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस जब कटघरे में रही तो कितनी सफाई से बचा लेते हैं, लेकिन आपका अपना कर्मचारी अधिकारी को भी देखना चाहिए जो मंत्री की ओर जा रहे निर्देशों को भी नहीं मान रहे हैं। अपनी बात रखते हुए विधायक ज्ञानचंद पारख ने 25 सितंबर 2022 की उस घटना का जिक्र विधानसभा में किया जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं के बीच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में सभी विधायक एकजुट होकर इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पायलट को सीएम नहीं बनाया गया था। पारख ने कहा कि जिस तरह से आपने सभी विधायकों को एकजुट करके आलाकमान को आंख दिखाई, उससे आलाकमान को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े। पारख ने कहा कि जब आपके आका की कुर्सी पर संकट आया तो आपने आलाकमान के सामने आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख दिखाकर बात कर सकते हो, तो इन कर्मचारियों पर सख्ती क्यों नहीं रखते जो आपके नीचे काम कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला ने कहा कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, अगर बोला जाता है तो पहले नोटिस दिया जाता है। आप हमारे हाईकमान के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम आपके हाईकमान की पोल खोलेंगे तो तब क्या होगा, किस तरह के झगड़े आपकी पार्टी में चल रहे हैं सब पता है, आपकी पार्टी के अंदर कितने लोग आपके हाईकमान की बात मान रहे हैं। तो वहीं सदन में हुए इस हंगामे के बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ फिर खड़े हुए और कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति को एक अगर अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति को अगर शक्तिशाली कह दिया गुनाह कर दिया, ये पास में बैठे लोग जल रहे हैं इनसे, अगर इन्होंने कह दिया शक्तिशाली है तो। इस पर यूडीएच मंत्री धारीवाल ने खड़े होते हुए कहा कि मेरे द्वारा किए गए काम को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अंदर की स्टोरी आपको मालूम नहीं है। नहीं, नहीं, हमें। इस पर राठौड़ फिर खड़े हुए और कहा कि मुझे सब पता है, मुझे चुनौती मत दो, मैं हाई कोर्ट में मिल रहा हूँ, वहाँ पर सब कुछ बता देंगे। वहीं विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कार्यालय के ये हाल है कि कर्मचारी अधिकारी का मन होगा तो काम करेगा वरना नहीं कर रहा है, यह दिखता है कि किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं। इस बीच आसन पर बैठे सभापति ने कहा कि जो आलाकमान को आंख दिखाई वाली बात है उसे सदन की कार्रवाई से उसे हटाया जाता है। इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, अगर उन्होंने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया उसे तो सदन की कार्रवाई से हटाया नहीं गया, फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।